जय हिंद भाई सभी को, कैसे आप सभी। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे, भाई का कमेंट आया था, वो कह रहा था कि मतलब जो फाइनल मेरिट लिस्ट है इंडियन आर्मी की, उसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपका रोल नंबर आए, आपका जो ARO है, तो उसके लिए आपको कम से कम कितना नंबर चाहिए। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ जो पुराने रिजल्ट है उनके आधार पर बता रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो मतलब नंबर ऊपर नीचे होंगे, 10-5 नंबर लास्ट होंगे। ठीक है, और जो भी कुछ है वो सारी चीज़ आप वीडियो में देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अगर बीच में वीडियो छोड़कर जाओगे आपको आधी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और फिर आप कमेंट करोगे बाद में। और मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिनका मैं मतलब सोल्यूशन आपको बता दिया होता हूँ वीडियो में, लेकिन फिर भी आप कमेंट करते हो क्योंकि आप वीडियो पूरी नहीं देखते। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ आती है आपका, अब देखो पहले तो फिजिकल होता था आर्मी के अंदर, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, आपका एग्ज़ाम कर दिया गया है। ठीक है, और एग्ज़ाम सबसे मेन चीज़ है, एग्ज़ाम में अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो फिजिकल में अगर थोड़े बहुत कम आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपके कम नंबर आते हैं तो आपको कम से भी कम नहीं तो 160 के आसपास आपको अपनी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उस तक आपको नंबर चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पुराना मतलब रिजल्ट रहा था ARO अलवर का, उसका 160 के आसपास था रिजल्ट। ठीक है, और बहुत सारे ARO ऐसे थे जिनका रिजल्ट, GD की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कभी आप टेक्निकल क्लर्क और ट्रेड्समैन का समझो, उनकी जो कट ऑफ वो थोड़ी हाई होती है। उनकी जो कट ऑफ हाई होने का कारण ये है क्योंकि उनमें वैकेंसी काफ़ी कम होती है। नर्सिंग असिस्टेंट में आपने देखा होगा 15-20 वैकेंसी होती है, ट्रेड्समैन में तो इस बार 2 या 3 इस प्रकार से वैकेंसी थी, किसी ARO में तो 0 वैकेंसी थी। तो GD की देखो 160 के आसपास कट ऑफ होती है। तो देखो मेन चीज़ ये आती है कि अब आपको मतलब किस स्ट्रेटजी से जो है आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुँच सकते हो। सबसे मेन चीज़ होती है आपका फिजिकल, अगर आप 100 नंबर का फिजिकल लगा सकते हो, मतलब एक्सीलेंट रनिंग और 10 बीम जो पुलअप्स होते हैं स्क्रीन पर आप देख रहे हो वो सारी चीज़ें, ठीक है, तो आपको कम से भी कम अगर आप 30 जो प्रश्न हैं वहाँ पे करके आते हो तो एक प्रश्न 2 नंबर होता तो 30 दूनी 60, तो 60 नंबर आपके हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, 100 नंबर वहाँ पे हो जाते हैं। और अगर आपके पास NCC का ABC कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपका नंबर जो है आराम से आ जाता है, और जो मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट तक आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको मतलब फाइनली जो है आर्मी में जाने का मौका मिल जाता है। अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं है तो आप फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तक कैसे पहुँच सकते हो। देखो फाइनल मेरिट लिस्ट के तक पहुंचने के लिए अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं है तो उसके लिए आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 40 प्रश्न के आसपास सही करते हो एग्जाम में तो 40 दूनी 80 नंबर आपके हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, और प्लस में अगर NCC सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप एक्सीलेंट रनिंग मारते हो तो एक मैं सबसे मेन चीज़ आपको बता दूँ, अगर एक्सीलेंट रनिंग आप लगाते हो ना आर्मी की जो रैली भर्ती होती है उसके अंदर, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट जो है पैरा कमांडो बनने का मौका मिल जाता है आर्मी के अंदर। लेकिन जो सेकंड ग्रुप में आते हैं या फिर गुड में आते हैं उनको जो है पैरा कमांडो का मौका नहीं मिलता है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है एक एक्सीलेंट रनिंग लगाने का। ठीक है, आर्मी की भर्ती के अंदर तो आपको जो है जैसे मतलब 40 नंबर वहाँ पे आए, वो सॉरी 40 प्रश्न आपने सही किए तो 80 नंबर हो गए, तो लगभग आप 88 नंबर का भी अगर फिजिकल लगाते हो तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुँच जाता है। मतलब मिला जुला के यही कहना चाहूँगा कि आप कम से भी कम नहीं तो 160 प्लस नंबर आपके होने चाहिए फिजिकल और आपके जो एग्ज़ाम को लगाकर। ठीक है, आप चाहे टेक्निकल है कलर ट्रेड्समैन सभी में इस प्रकार से आपको लगाना होगा। ठीक है, तब जाके आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच पाओगे। और देखो जैसे ही रिजल्ट आएंगे, अभी तो देखो पुराना रिजल्ट है उसके आधार पर मैंने बताया, और देखो पुराना रिजल्ट है ना उससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, वही 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे होते हैं, तो इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है भाई, और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।